अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं दानिश जावेद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूं हमारे प्रोग्राम हालात में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम हालात में हमेशा उन सेंसिटिव टॉपिक्स और इश्यूज़ को उठाते हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक हमारे समाज और समाज के हालात से है। इसी तरह आज हमने एक टॉपिक लिया है, रोल ऑफ मीडिया इन आर सोसाइटी। और इस टॉपिक पर हमारे साथ मौजूद है श्री कमलेश पांडे जी, हिंदुस्तान में जी टीवी के साथ सैटेलाइट टीवी की शुरुआत करने वाले श्री कमलेश पांडे जी आज फिल्म राइटर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और बाइस क्राफ्ट फेडरेशन के सदर हैं। मैं कमलेश पांडे जी की आपका स्वागत करता हूँ। शुक्रिया मनीष। दोस्तों, हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं अशरफ करीम साहब। अशरफ करीम साहब सहारा समय के ब्यूरो चीफ हैं महाराष्ट्र के और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अशरफ करीम साहब, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया, आदाब। हमारे साथ आज हमेशा की तरह जैद खालिद पटेल साहब हैं, इस्लामिक स्पीकर, जिन्हें आप और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जैद भाई, आपका इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कमले जी, आप हमारे मीडिया के सबसे सीनियर लोगों में से हैं जो हिंदुस्तान में सैटेलाइट टीवी को लेके आए। आपने हिंदुस्तान में जी टीवी के साथ सैटेलाइट टीवी को इंट्रोड्यूस किया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एन अ वेरी वेरी ब्रॉडर यू से प्रॉस्पेक्ट, वी यूज टू कॉल मीडिया, हम मीडिया पुकारते हैं, लेकिन मीडिया में हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजिंग, कोरिलेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी। बट एग्जैक्टली अगर हम मीडिया को डिफाइन करने के लिए बोलें तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? मीडिया जो है वो एक खुराक है। जैसे हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट की खुराक है, मीडिया हमारी आँखों और कान से हमारे अंदर जाता है, और ये खुराक जो है पेट की खुराक से भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि पेट की खुराक सिर्फ हमारी सेहत पर असर करती है, मरी जो मीडिया के नाम की खुराक जो है वो हमारे अंदर जाती है, कि हमारे सोच, हमारे सरोकार, हमारे एहसास, हमारे जज्बात, हमारी सारी जो एक इमोशनल मेंटल जो हमारा मेकअप है वो सबको डिफाइन करती है। आज हम जो भी हैं, हमारी जो भी पर्सनैलिटी है, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, बड़ा अहम हाथ है, और इसीलिए मीडिया का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये कोई बड़े ताजुब की बात नहीं है कि हमारे संविधान में मीडिया को चौथा खंभा कहा गया है। कार्यपालिका, विधानिका और न्यायपालिका के बाद चौथा खंभा मीडिया है। इतनी अहम जगह दी है मीडिया को हमारे संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो जाहिर है कि मीडिया हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, अहम है, हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, बल्कि हवा पानी की तरह हमारे घरों में रोज आता है। नल खोला, पानी आता है, टी वी ऑन किया, मीडिया आ जाता है। मगर मुश्किल ये है कि जैसे खाने के मामले में हम बड़ा ख्याल रखते, फिक्र करते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, उसमें साफ सफाई कितनी है, वो शुद्ध है कि नहीं है, पानी शुद्ध है कि नहीं है, छान कर पीते हैं, उबाल कर पीते हैं, खाने की एक चीज़ चुन चुन के हमारे घर की महिलाएं जो हैं वो खाना बनाती हैं। क्या हम मीडिया के साथ भी इतनी सावधानी बरतते हैं? क्या हम मीडिया के साथ भी उस साफ सफाई का ख्याल रखते हैं कि जो हमारे अंदर जा रहा है हमारी आँखों और कान से, वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है या नहीं है? वो हमें कैसे संस्कार दे रहा है? वो हमारी सोच को कैसे बदल रहा है? और इसीलिए मीडिया जितनी बड़ी ताकत बन सकता है उतना ही बड़ा खतरा भी बन सकता है, क्योंकि मीडिया का काम है कि एक समाज को, देश को जागरूक, सतर्क, विवेकशील और सक्षम बनाए। मगर जो मीडिया बना रहा है आज जो हम देखते हैं वो बड़े सोच की बात है और बड़े बड़े खौफ की बात है, एक्चुअली जहाँ मैं कहूँ कि खौफ की बात। तो इसलिए ये बड़ा अहम विषय आपने लिया, सब्जेक्ट लिया, कि मीडिया का रोल क्या है समाज में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। मीडिया अमलेश जी के मुताबिक एक खुराक है। मीडिया जितना सशक्त, जितना ताकतवर है उतना ही खतरनाक भी है। अशरफ करीम साहब, ये डायरेक्ट अटैक आपकी तरफ हो रहा है, आप इसके किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और नाजरीन को भी पता है कि मीडिया मीडियम है लोगों तक पहुँचने, लोगों को कनेक्ट करने का। अब आपकी एक सोच हो सकती है, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं खबरों की बात कर सकता, लेकिन आप जिस मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ एक शख्स की एक सोच है, उसने समाज के बारे में कोई चीज़ सोची हो, लेकिन वो तो सिर्फ उस इंडिविजुअल तक ही रह जाएगा। सोच अच्छी हो या बुरी हो, वो तब तक लोगों तक नहीं पहुँच सकती जब तक मीडिया शामिल ना हो। तो मीडिया मीडियम है लोगों तक पहुँचने का। अब यूं भी कह सकते हैं कि वो एक तरह से समाज का आईना है, और वो आईना दिखाते रहना चाहिए समाज को, ताकि वो अपने बारे में भी सोच सके, उस समाज के बारे में भी सोच सके, जो अच्छाइयां हैं वो अपना ले और बुराइयों को छोड़े।
बहुत जल्दी से मैं आपके पास आता हूँ। बहुत अच्छी आपने बात कही और बड़ा अच्छा सवाल यहाँ उठता है कि समाज का आईना मीडिया है या समाज की दशा और दिशा तय करता है मीडिया। एक बड़ा अहम सवाल है, उससे पहले एक इंट्रोडक्टरी कमेंट लेते हैं हमारे मेहमान जैद खालिद भाई से। जैद भाई, आप मीडिया को किस अंदाज से देखते हैं और मजहब इस्लाम मीडिया को किस अंदाज से देखता है और मीडिया की गुंजाइश किस हद तक मजहब में मौजूद है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिही वसहाबिही अजमईन, अम्मा बाद। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्ना मिन अशरातिस साआ अन यज़हरल क़लम। मुस्नद अहमद में सही सनद से है कि क़यामत की निशानियों में से है कि कलम ज़ाहिर हो जाएगी, मतलब बहुत कॉमन हो जाएगी। अब कलम का मतलब सिर्फ ये कलम नहीं, डिजिटल कलम भी है और कैमरा में भी जो राइट कर रहा है डेटा ऑन द डिस्क या ऑन द कार्ड या ऑन द टेप, तो ये भी एक टाइप की कलम है। तो हम देखते हैं कि ये एक प्रोफेसी है कि इस तरह का एक मीडिया आम हो जाएगा। हम देखते हैं कि सन 1804 की बात है, पहली बार दुनिया की पॉपुलेशन 100 करोड़ पहुंची 1804 में। 2015 में हम है वर्ल्ड की पॉपुलेशन तकरीबन 712.5 करोड़ है, 100 से 700 करोड़ का फासला सिर्फ 200 साल के गैप में हुआ। अब हम देखते हैं कि ये जो पीरियड में इतने सारे इंसान पैदा हुए, इतने सारे इंसान जो बढ़ गए दुनिया में, ये अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं हुए। और जिस अल्लाह ने इतने सारे इंसानों को इस पीरियड में बनाया, हम देखते हैं इसी पीरियड में जो मीडिया का उरूज भी हुआ और जो इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस मीडिया लोगों के दिलो दिमाग पर करती है, ये इस पीरियड में बहुत ज़्यादा है। जैसे एक ज़माना था जिस ज़माने में बादशाह का मज़हब अवाम का मज़हब हुआ करता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि किस तरह से लोगों के दिमाग को कंट्रोल किया जाता है, वो है मीडिया के ज़रिए। आज वो टाइप की बादशाह वाली गुलामी तो नहीं है, लेकिन आज एक दूसरी टाइप की गुलामी आ गई है जिसके अंदर लोग जो देखते हैं उसे मानते हैं, क्योंकि बार 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 जब एक चीज़ को देखेंगे वो चीज़ को मानने लगेंगे। ऑफकोर्स बात तो बिल्कुल सही है कि मीडिया का सही इस्तेमाल भी हो सकता है और गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इस्लाम ने मीडिया की इजाज़त तो दी है, ऑफकोर्स सही इस्तेमाल की इजाज़त दी है। चलिए मैं आपके पास आता हूं। मैं आपके पास इस सवाल के साथ आता हूँ लौट के। पहले मैं कमलेश जी के पास जाऊँगा और आपसे सवाल ये करूँगा कि बहुत आम और सतही लेवल पर ये समझा जाता है कि जिस इस्लाम को वो फॉलो कर रहे हैं वहाँ पर ये कैमरा नाम की चीज़ या तस्वीर नाम की चीज़ कुछ हराम है या ऐसा कुछ है, ऐसा एक इंप्रेशन मिलता है। मैं आपसे वजाहत चाहूँगा इस पर। उससे पहले मैं कमलेश जी के पास आता हूँ। कमलेश जी, अशरफ करीम साहब ने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि कहा कि मीडिया मीडियम है, तो यहाँ बड़ा अच्छा सवाल ये उठता है कि क्या मीडिया समाज को बनाता है या मीडिया समाज का आईना है? ये एक तो सिर्फ आईना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आज की मीडिया की बात कर रहा हूँ। जी आगे के एक समय था जब आईना रहा होगा, आज बिल्कुल नहीं है। और मीडिया की जो दखलंदाजी है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो इस हद तक है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं दो एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा और ये दोनों सच्ची घटनाएँ हैं, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ, सबको मालूम है। जब इलेक्शन होता है तो एक चीज़ होती है पेड न्यूज़, आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, बहुत अच्छी बात है। और उसका रेट है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि 10 लाख अगर आप दें एक टीवी चैनल को, न्यूज़ चैनल को, तो 15 मिनट का फुटेज आपको मिलता है एक्सपोज़र। उसके बाद हर अल्टरनेट डे एक एक मिनट आपको मिलते हैं महीने भर तक, और फिर 20 दिन तक स्क्रॉल चलते। ये एग्जैक्ट रेट, ये मुझे स्टेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ जिसने सौदा किया था। ये तो कुछ भी नहीं, मैं एक और ख़तरनाक बता रहा हूँ, एक नया सिलसिला शुरू हुआ है ख़ास तौर से मीडिया हाउसेज में, उसको बोलते हैं प्राइवेट ट्रीटी। प्राइवेट ट्रीटी, ये क्या है प्राइवेट ट्रीटी? हम जानते हैं भाई माध्यम भी मीडिया भी एक। सर मैं आपको टोक रहा हूँ बीच में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बोली है, इसे अलग से डिस्कस करेंगे, अभी करेंगे। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया, क्योंकि जहाँ तक सवाल है नैतिकता का, असली चीज़ अहम बात है नैतिकता, चाहे वो मीडिया हो, राजनीति हो, हमारे अपनी व्यक्तिगत जिंदगी हो, हर मुकाम पर हर मौके पर नैतिकता बहुत अहम चीज़ है। वो नैतिकता हमारी ज़िंदगी से भी जा रही है और मैं कह रहा हूँ कि मीडिया से भी जा रही है। जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया कि मीडिया बिकाऊ है, अखबारों का एक एक इंच बिकाऊ है, मुझे रेट भी पता है, टीवी चैनलों का एक एक सेकंड बिकाऊ है, मुझे रेट भी पता है क्या भाव चलता है उसका। तो मीडिया बिकाऊ हो गया है, मीडिया व्यवसाय है, तो जो चीज़ बिकाऊ है उसमें नैतिकता की जगह कहाँ है, मोरालिटी की जगह कहाँ है? क्या चाहेंगे कि मैं जवाब दूं? मैं उसी पर आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। पहली बात तो ये कि ये बात इन जनरल हम कर रहे हैं और जनरल ये कर रहे हैं, ये बात से तो मैं इनकी कमलेश पांडे जी की इत्तफाक करूँगा। पिछले कई इलेक्शन जो मीडिया में रहते हुए मैंने देखे और जो मेरा अपना एक रिएक्शन है वो ये है कि मैं इतनी सच्चाई या इतनी ईमानदारी या इतनी
श्योरिटी के साथ तो नहीं बोल सकता कि ये रेट है, लेकिन अपने अंदाजों की बुनियाद पर बोलता हूँ कि हाँ, और ये भी नहीं बोलता किसी एक चैनल या सब चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मीडिया बिका हुआ ऐसा नजर आता है। अब आपका रिएक्शन, क्योंकि आप मीडिया में हैं बाकायदगी के साथ, एक टीवी चैनल चला रहे हैं, तो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट चोट आप पे भी होती है, आपकी अपनी क्या राय है आप बताइए कि मीडिया बिका हुआ। सवाल यह है कि मीडिया बिका हुआ है और मिनट दर मिनट सेकंड दर सेकंड बिकता है। देखिए, ये इल्ज़ाम लगा देना तो बड़ा आसान है, क्योंकि अगर कमलेश जी फिल्मों से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं ये बताऊं कि फिल्मों के बारे में कहा जाता है, अगर किसी फिल्मकार से अदाकार से पूछे तो कहते हैं कि हम इस सोसाइटी को एक मैसेज देते हैं, तो क्या फ्री में दे रहे हैं? आप जानते हैं कि एक फिल्म बनाने में कितना पैसा लगता है और उतना ही पैसा कमाने की होड़ लगी है। सर, तो, मैं टोक रहा हूं आपको, एयर टाइम बेचने और कंटेंट बेचने में फर्क है। मैं उसी पे आ रहा हूं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर बात करें, कोई अगर राइटर है, वो किताब समाज के लिए लिखता है, पब्लिकेशन हाउस से छपवाता है, तो क्या वो फ्री में बांट दे? पैसे लगेंगे, ठीक है। एक चैनल चल रहा है, एक कारोबार भी है वो। आप इस बात को ना भूलें कि जो जर्नलिस्ट है, क्या उसके पेट नहीं है? वो क्या अपने बीवी बच्चों की परवरिश नहीं करे? उसे भी तनख्वाह देनी है। और टाइम स्लॉट प्रोग्रामिंग में अगर आप हैं, आप टेलीविजन से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको पता है कि वो जो स्क्रॉल चलता है वो बिकता है, वो आप बुक कराते हैं, टाइम स्लॉट बिकते हैं। अगर आपको टाइम स्लॉट खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, किसी भी चैनल पे खरीद सकते हैं। और अखबार क्या फ्री में होता है? अखबार के आप 3 रुपए देते हैं या 5 रुपए देते हैं, आपको क्या लगता है कि अखबार 5 रुपए में छपता है? अखबार को इंक्लूड किया उन्होंने, अखबार में भी इंच बिकता है, ये बात सच है, और वो पब्लिकेशन हाउस बेचते हैं, और ये सही है। आप ये कह सकते हैं कि मीडिया में मैनिपुलेशन आ गया है। मेरा वही मतलब, मैनिपुलेशन आ गया है, लेकिन मैनिपुलेशन एक हद तक है, क्योंकि अगर आप प्रिंट में हो या इलेक्ट्रॉनिक में हो, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऑडियो विजुअल माध्यम है, वो आप जो कह रहे हैं वही आपको दिखाना भी होगा और वही सुनाना भी होगा, तो आप उसमें बहुत ज्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते। और जो लोग बैठे हैं, आप एज ए व्यूअर बैठे हैं, लोग बातों को समझते हैं, वो जानते हैं इसमें सच्चाई क्या है और इसमें मैनिपुलेट क्या किया गया है। लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, जैसे इस वक्त हम लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं या आप एयर करेंगे, ये झूठ नहीं होगा। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, कमलेश जी, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन मैं एक और प्रोस्पेक्ट देख रहा हूँ, और वो ये, अगर हम प्रिंट मीडिया से शुरू करें बात को, तो तीसरे पेज की खबर अगर मैं आपसे पैसे लेके फ्रंट पेज की न्यूज़ बना दूँ, जैसे अभी पिछले दिनों हमने देखी भी है, तीसरे या चौथे या पांचवें पेज की खबर, जो खबर है जो सच्ची है, उसमें एक तस्वीर भी छपी है, और उसको सिर्फ मैंने इतना किया कि अटेंशन लोगों की ज़्यादा हासिल करने के लिए वहाँ से वहाँ पहुँचा दिया। या जैसे अशरफ भाई ने भी कहा कि स्लॉट खरीद लें आप, और खरीद के कुछ भी कह दें, मेरे ख्याल में जितना मैं आपकी बात को समझा वो ये थी नहीं कि स्लॉट खरीद के आप उसमें आप प्रोग्राम चला दें। प्रोग्राम मेरा है, न्यूज़ एंकर मैं हूँ, या प्रोग्रामिंग मेरी है, और मैं बात आपकी कर रहा हूँ और पैसे लेके कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में मैं ये समझा था। सवाल ये नहीं है कि अखबार पैसा कमाता है या नहीं, उसको कमाना चाहिए, व्यवसाय है वो, नहीं तो कैसे बेचेगा वो? या टीवी चैनल है, उसको तनख्वाह देनी है, पैसे तो कमाने हैं, विज्ञापन जरूरी है, एडवर्टाइजिंग की बहुत बड़ी ज़रूरत है, उसी के बेसिस पर आज अखबार इतने सस्ते हैं हिंदुस्तान में। क्या मीडिया में हम टीवी चैनल जो 800 चैनल हम देखते हैं इतने सस्ते इसलिए पहुंच पाते हैं क्योंकि एडवर्टाइजिंग की वजह से उनका खर्चा निकलता है। मगर जो सूचना है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो लोगों तक जाती है, उस इन्फॉर्मेशन से जो छेड़छाड़ होती है, उस इन्फॉर्मेशन को जिस ढंग से कभी कभी पेश किया जाता है और उसमें लेके किया जाता है, और उसमें जैसी निष्पक्षता होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी, वो नहीं होती। हम देख रहे हैं, हम देख सकते हैं, मतलब अगर आपने इलेक्शन के दौरान देखा होगा कैसे खबरें जो है या सूचनाएं कैसे मुड़ी जाती हैं इधर से उधर, वही खबर वही है, उसको क्या भाषा देते हैं, क्या जुमले इस्तेमाल करते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे एक तो जो सच्चाई है वो है, मगर कितने चैनल हैं, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मगर कुछ हैं वो सच्चाई है, अब वो सच को आप कैसे पेश करते हैं, उसका क्या संदर्भ है, किस कॉन्टेक्स्ट में पेश कर रहे हैं, और आप उसको कितना दिखा रहे हैं। आप अपनी मर्जी से जो आपका मकसद होगा टीआरपी बढ़ाने के लिए, आप सूचना के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसमें कितना संतुलन है, आपने कितना बैलेंस रखा है दोनों पक्षों के बीच में, उसमें आपकी संवेदनशीलता कैसी है, आपकी जो सेंसिटिविटी है एज ए चैनल, बिकॉज यू आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, आपको इतना गौरवपूर्ण जगह दी गई है कि आप चौथे खंभे हैं हमारे संविधान ये मुल्क, क्योंकि इस मुल्क को जागरूक और सतर्क और विवेकशील रखने में
आपका अहम हिस्सा है, रोल है, तो जो जिम्मेदारी का एहसास है, जो दायित्व है, वो बहुत ही बड़ा है। मैं सिर्फ दायित्व की बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी की, कि आप अक्सर कभी कभी ऐसा मैंने देखा है कि मीडिया को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, और उसकी भी शायद मजबूरियाँ हैं। मैं ये नहीं कहता कि मजबूरियाँ नहीं हैं, क्योंकि प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, टीआरपी की प्रतियोगिता है, और एक्सक्लूसिव के लिए कुछ भी किया जाता है। मैं उदाहरण दूँ साहब, 26/11 हुआ, हमारी मीडिया ने बिल्कुल दिल खोल के बिल्कुल सब जाहिर कर दिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान में जो हैंडलर थे आतंकवादियों के, वो हमारी टीवी देख के इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। वहाँ उस वक्त मीडिया के दिमाग में ये बात नहीं आई। वो छोड़िए, कारगिल वार में एक बहुत बड़ी एंकर हैं, एक टीवी चैनल की, नाम नहीं लेना चाहता, वो बहुत बड़ा कवरेज करने गई थी, और उन्होंने हमारी एक जो आर्मी की चौकी थी उसका जो फुटेज दिखाया है, उस फुटेज को देख के पाकिस्तान ने अटैक किया, वहाँ शहीद हो गए हमारे सिपाही। तो मैं इस दायित्व की, जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। पैसा सबको चाहिए, आपको चाहिए, हमको चाहिए, मीडिया को भी चाहिए, नहीं तो काम कैसे होगा। मगर आप मीडिया हैं, आप साबुन तेल नहीं हैं, आप शैम्पू नहीं हैं, आप हेयर ऑयल नहीं हैं, आप मीडिया हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे देश की, समाज की। सच्ची बात। तो साबुन तेल शैम्पू हम खरीदते हैं, ठीक है, काम किया नहीं किया चलता है, मगर ये जो अंदर जाती है सूचनाएँ, और जिसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है मुल्क को, समाज को, देश को, उसका कितना एहसास है मीडिया को, मेरी चिंता ये है। इसलिए मेरा मतलब था, जो नैतिकता है आपकी, आपको एहसास है अपनी जिम्मेदारी का कि नहीं है, और है तो कितना है, मेरा मकसद सिर्फ इतना था। मैं कमलेश जी की तारीफ करता हूं, मैं अभी की तरफ आ रहा था जी, भाई नैतिकता यानी मोरल और मीडिया, इन दोनों में आपके हिसाब से क्या ताल्लुक है, और अगर है तो कितना है, और किस कोरिलेशन के हिसाब से इनके बीच में एक मिक्सचर बन के दुनिया के सामने आना चाहिए, आपकी क्या राय है? देखिए, बात तो बहुत सिंपल है कि जो क्लियर कट एड स्पेस है, चाहे प्रिंट मीडिया हो या चाहे कोई टेलीविजन चैनल हो, उसके अंदर जो एड स्पेस है, वो एड स्पेस में एड चल रही है, उसके अंदर भी कुछ मॉरल्स होने चाहिए। उसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी मॉरल्स बस बेचना है तो कुछ भी करके बेचो। अब यहाँ क्या मामला है कि जब कंटेंट पर हम आते हैं, और जैसे कि कमलेश जी ने बताया कि इंडिविजुअल एक्टर से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज तक कई लोग इस मीडिया को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इससे ऊपर उठकर और बड़ा पिक्चर देखते हैं तो हम देखते हैं कि कई सारी लॉबीज़ हैं जो कई चीज़ें चाहती हैं कि वो प्रमोट हो सोसाइटी में। जैसे अल्कोहल की मिसाल आपने खुद दी, तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर हम सब क्या करें। इस्लाम ने तो ये बताया है कि ये सब चीज़ तो दूर की बात, पेड न्यूज़ देना दूर की बात, पेड कंटेंट उस तरह का कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करना किसी न्यूज़ आइटम में, वो तो बहुत दूर की बात। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कफ़ा बिलमरि कदीबन अन युहद्दिथा बिकुल्ली मा समिया, एक शख्स के झूठे होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो भी सुनता है बयान कर देता है। मतलब कि सुनने के बाद एक स्टेज होता है चेक करना, वेरीफाई करना, वो चीज़ सही है गलत है, बिकाऊ होना वो तो बहुत दूर की बात है। बात यह है कि सिर्फ सुनी सुनाई बातें जो कई बार ब्रॉडकास्ट हो जाती है, कई बार जो कुछ न्यूज़ पर्टिकुलर मेथड से मिलती है उसे ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई किए बगैर, बाद में अगर पता चला कि कितने सारे लोगों को नुकसान पहुंचा, कितने सारे लोगों की इज्जत खराब की गई, धर्मों के ताल्लुक से गलत बात कही गई, लोगों के ताल्लुक से गलत बात कही गई, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न की बात है। कुरान की आयत है सूरह हुजुरात सूरह 49 आयत नंबर 6, या अय्युहल लदीना आमनु, ए ईमान वालों, इन जाकुम फासिकुन बिनबइन फतबयनु, अगर कोई फासिक, कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में नोन है कि गलत काम करता है, कोई खबर तुम्हारे पास लेके आता है तो चेक करो। अब यहाँ ये जो खबरें पहुँचा दी जाती है, इससे बहुत बड़ा नुकसान है, और ये बहुत बुनियादी मोरालिटी है कि सच, जैसे कि बहुत राइटली कहा कि सच बात पहुँचे, सच्चाई पहुँचे, और ये सच्चाई का साथ देना ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट हो और सही मॉरल्स की तरफ एक सोसाइटी बढ़े। अच्छा अशरफ भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ। कमलेश जी ने कहा, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि पेड अनपेड पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं। कमलेश जी की बातचीत से एक बड़ी खूबसूरत बात, और जैद भाई की बातचीत से भी, जैद भाई ने भी उसी को खत्म किया बात को, कि हमारे जिस्म को जिस तरह खाने की ज़रूरत है, उसी तरह हमारे दिमाग को सोच की ज़रूरत है, और वो सोच सूचनाओं के ज़रिए और विजुअल्स के ज़रिए मीडिया हम तक पहुँचा रहा है या समाज तक पहुँचा रहा है, और उससे कहीं हमारे दिमाग को बदहजमी तो नहीं हो रही, कहीं हमारे दिमाग को जैसे पेट में फूड इन्फेक्शन हो जाता है, कहीं हमारे दिमाग में तो वो फूड इन्फेक्शन या सूचना इन्फेक्शन हो जा रहा है, आप क्या समझते हैं? देखिए, वो डिपेंड करता है आपके दिमाग के कैपेसिटी पे। वैसे जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, तमाम तर लोग दुनिया की बातें कर रहे हैं और उन सारी चीज़ों की बातें कर रहे हैं, और मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा कैसे, कैसे पता चला, मीडियम क्या है? मैं वहीं आ रहा हूँ, मीडियम वही मीडिया है, उसमें कुछ चीज़ें खराब हो सकती है, कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं,
लेकिन उसको पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया। सर मैं आपकी बात काट रहा हूं और इसी आप ही की बात आप ही के लिए काट रहा हूं, रिजेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात इतने कर रहे हैं कि जो कुछ चीजें खराब हैं इनका रेशियो बहुत ज्यादा नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि अगर रेशियो ज्यादा हो, देखिए अच्छे और खराब की तमीज कैसे होती है, आप हर अच्छी चीजों में कुछ बुराइयां जरूर होती और हर बुरी चीजों में कुछ अच्छाई होती, वो रेशियो जहां बुराई का ज्यादा हो अच्छाई का कम हो तो आप कहते हैं कि ये बुरा है, और जहां अच्छाई का रेशियो ज्यादा हो बुराई का कम हो तो आप ये कहते हैं कि अच्छा है। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें हर जगह हैं मौजूद, लेकिन अच्छाई ज्यादा होने के बावजूद सिर्फ बुराई आप देखते रहें और कहें ये बुरा है तो वो बैलेंस नहीं होता, वो ऐसा लगता है कि वो सही नहीं, क्योंकि हम सारे लोग जो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं हमारे लिए मीडियम वही मीडिया है, उसी मीडिया के जरिए हम सारा इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। और ये दरअसल है क्या जैद भाई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर बन के आए, पैगाम लेके आए, और वो खबर लेके आए थे इस दुनिया के लिए कि अल्लाह एक है और अल्लाह की इबादत करो, और बहुत सारे सहाफियों को ये खबर दे गए कि ये दुनिया तक पहुंचा दो कि अल्लाह एक है और उसी की इबादत करो, वही इस्लाम था, और वो सारी दुनिया में फैले और उन्होंने ये खबर पहुंचाई और जिन्होंने इस खबर पे यकीन किया वो मुसलमान हुए। बहुत अच्छी तरह मीडिया को डिनाय नहीं कर रहे हैं, हम मीडिया के ये भी नहीं कह रहे हैं कि उसमें कोई शक की बात नहीं है, वो बिल्कुल सही बात है। जो हमारा विषय है रोल ऑफ मीडिया, तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जिम्मेदारी का एहसास, क्योंकि आप जो कह रहे हैं ठीक है वो हमारे अंदर भी है, ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल 100% परफेक्ट है, हर इंडिविजुअल बिल्कुल है, वो बुराई सब में है, मगर चूंकि मीडिया का रोल इतना अहम है उसमें, जैसे हम खाने में थोड़ा से भी मिलावट बर्दाश्त नहीं कर सकते, मालूम पड़ जाए कि ये एडल्टरेटेड है तब उस दुकानदार की उसकी अहमियत नहीं होती तो डिस्कस भी नहीं होता, हाँ, उसकी अहमियत है इसीलिए डिस्कस हो रहा है। तो जो एडल्टरेशन मीडिया में आने लगा है, और खासतौर से जो चिंता की बात यह है क्योंकि पहले नहीं था, गांधी भी पत्रकार थे, नेहरू भी थे, लोकमान्य तिलक भी थे, और उन्होंने ताकत यूज़ की, पत्रकारिता की ताकत आज़ादी के लिए इस्तेमाल की, आज़ादी के बाद भी कुछ लोग बड़े अच्छे पत्रकार हुए, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। आज जो हम देखते हैं बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, आज प्रतियोगिता इतनी बढ़ गई है टीवी चैनलों के बीच या अखबारों में, मतलब आज अखबार खोलिए पहला पेज आता है कि जो बॉम्बे के बिल्डर हैं उन्होंने सारे पहले पेज खरीद लिए, पहले दो पेज तो उन्हीं के हवाले होते हैं, तब जाके कहीं नंबर आता है कि भाई अखबार की खबर मिलती है। इसमें कोई इतराज़ नहीं कि ठीक है अखबार को अगर उस दाम में बेचना है तो पैसे तो चाहिए, एडवर्टाइजिंग से आने चाहिए, वही एक तरीका है, फुल पेज तो कौन देगा, मगर सवाल ये है कि अंदर जो बातें हैं, और एक और जो बात कर रहा था मैं, प्राइवेट ट्रीटी, जी अब प्राइवेट ट्रीटी बात है, मैं बताऊं शायद आपको पता होगा अशरफ, मगर मैं बता देता हूं क्या है, डिफाइन करते हैं हमारे हमारे ऑडियंस को बताइए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मीडिया हाउसेज में से एक, और ये सच्ची खबर है रिकॉर्डेड है, उन्होंने एक नया रास्ता निकाला एडवर्टाइजर से, बजाय कि रुपये पैसे लेने के, एडवर्टाइजिंग के पैसे लेने के, उन्होंने एक दूसरा डील किया कि आप अपनी कंपनी के इतने शेयर हमारे नाम कर दीजिए, शेयर पैसे नहीं शेयर। अब उन्होंने कंपनी ने एडवर्टीजमेंट रिलीज करने की एवज में अपने कुछ शेयर उनके हवाले कर दिए, 15 करोड़ 20 करोड़ में जो भी है, एक एक कंपनी ने किया, कंपनियों के नाम तक है। अब ज़रा इसके पीछे की देखिए क्या नीति क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। अब जो नया मीडिया हाउस है वो शेयर होल्डर है कंपनी में, जिस कंपनी का एडवर्टीजमेंट वो रिलीज़ कर रहा है, चाहे वो टीवी चैनल हो चाहे अखबार हो। अब उसका इंटरेस्ट ये है कि ये कंपनी फ़ायदे में रहे, इसके शेयर के दाम बढ़ें ताकि मीडिया हाउस को भी फ़ायदा हो, और शेयर के दाम बढ़ाने के लिए क्योंकि मीडिया की ताकत इतनी बड़ी है वो कुछ भी कर सकता है, और किया उन लोगों ने किया, मतलब नाम लेना बड़ा मुश्किल है, मगर हुआ ऐसा, उस मीडिया हाउस ने जो मेरे आंकड़े हैं उस एक डील में 4,000 करोड़ कमाए इस डील से, ये प्राइवेट ट्रीटी से। लेकिन सर ये बताइए कि हाँ, क्या ये गलत है, क्योंकि आप जिस मीडियम से हैं, गलत नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूं, ये है कि अभी क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट है, ये डिस्कशन का मुद्दा हो सकता है कि क्या ये सही है या गलत, नहीं उसका इन्वेस्टमेंट है, सवाल क्या है, तो उसमें वो उसकी जो सेवा है जो उसकी पत्रकारिता है वो बिना स्वार्थ के नहीं हो सकती, वो अपने शेयर का हिसाब किताब रखेगी कि यार मैं नुकसान ना। सर मैं पहले ही आपसे मैंने पहले ही आपसे कहा, चाहे वो अखबार हो चाहे वो किताबें हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन सब जगहों पे मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा बहुत जरूरी है। देखिए एक बात तो सच है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, तो मनी इन्वॉल्व। देखिए
वो खबरें दिखा रहा है जहां पे वो बाकी जगहों पे जहां टाइम स्लॉट देना होता था, और साथ ही साथ कॉरपोरेट हाउसेस की खबरें हम दिखाते भी हैं, उस हिसाब से दिखाते हैं कि ठीक है उसके फायदे ज्यादा दिखा देते हैं, नुकसान कम दिखाते हैं। ये बात सही है, हम उसके एडवर्टाइजमेंट के पैसे नहीं ले रहे हैं, उससे डील हो गई, ठीक है आपने शेयर दे दिया, यू आर वन ऑफ द पार्टनर ऑफ दैट। मेरा सिर्फ ये पॉइंट था अशरफ भाई कि अगर मीडिया हाउस का इन्वेस्टमेंट है किसी कंपनी में तो क्या वो सच्चाई के साथ ईमानदार रह पाएगा? मान लीजिए ऐसा मौका आता, मैं नहीं कहता कि आता ही होगा या आएगा ही, जैसे कि उस कंपनी की कोई चीज़ है, कोई सामान है बाजार में जो कि उतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए, जिसकी कीमत ले रहा है वो, अगर उसके बारे में ऐसी खबर निकलती है कि भाई पता नहीं ये कैसा है क्या है, क्योंकि इसका फ़ायदा उठा के, मतलब इल्ज़ाम मेरा कंपनी पर भी है, कंपनी को अभी पूरा इत्मीनान है कि अभी मेरे खिलाफ कुल मिला के ये कि अगर वो जहर बेच दे रहा है तब तो है वो गुनहगार है। हाँ, कि वो कंपनी जहर तो बना रही है और वो बेच रहा है तो वो गुनहगार। नहीं नहीं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कंपनी गैर जिम्मेदार हो सकती है क्योंकि उसको ये यकीन है कि अब मेरे खिलाफ कुछ छपेगा नहीं, तो वो कुछ भी बेचने को तैयार हो सकती है। आपसे सिंपल एक सवाल पूछूं, मैं इसको दूसरी तरह बोलता हूं, मैं एक अखबार निकालता हूं और आप उस अखबार के एडिटर हैं, क्या मेरे किए गए गुनाह को पूरी ईमानदारी से आप छाप पाएंगे? नहीं, मेरा सवाल। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, आप एकदम सही उस पे आए हैं कि यहाँ पे आपके गुनाह को वो छाप नहीं सकता। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉर्पोरेट हाउस जो ओनर है, उसके बाद फिर नीचे की तरफ आता है, ये एक स्टेप बाय स्टेप है, जो मालिक है वो चाहे वो चैनल का हो, अखबार का हो, कहीं भी हो, या कॉर्पोरेट हाउस फिल्मों का हो, उसके खिलाफ न तो आप फिल्म बना सकते हैं, न आप अखबार में लिख सकते हैं, और न ही उसके चैनल में चला सकते हैं। बस इस पे नहीं, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा, उसके अखबार में नहीं लिख सकते, उसकी फिल्म में नहीं डाल सकते, उसके चैनल पे नहीं चला सकते, लेकिन उसकी तमाम हरकत व सकनात आप दूसरे अखबारों में, दूसरे चैनलों पर, दूसरे फिल्मों में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब कुछ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए ये नहीं, इसलिए वो इंडिविजुअल हो सकता है, आप उसको ओवरऑल नहीं कह सकते। मैं नहीं कहता कि ओवरऑल है, बिल्कुल नहीं, मैंने उदाहरण दिया एक। कमलेश जी जो बोल रहे हैं, ये प्राइवेट ट्रीटी यही आके बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है कि जहाँ पर एक मुजरिम इस नियत से कि मेरा जुर्म कल मैं खुद छुपा सकता हूँ, इस नियत से एक चैनल में या एक किसी भी मीडिया हाउस में अपनी हिस्सेदारी डालता है और बढ़ाता चला जाता है। आप भी जानते हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ, नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस ग्रुप्स हैं जो बाकायदगी के साथ आज मीडिया हाउसेज में बाइंग करके घुस रहे हैं और घुसे हैं, और प्राइवेट ट्रीटी हो रही है, हम सब जानते हैं, ऑलमोस्ट हो रही है, और इस हद तक हो रही है कि लोग 49% तक पहुंचे, 50% तक पहुंच गए भाई। सर सर एक मिनट, आप पुरानी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, पुराने लोग वहां से भाग रहे हैं क्योंकि क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस मुल्क में एकाध को छोड़ के कोई भी प्रॉफिट में नहीं, सारे लॉसेस में। सर यहां उसकी वजह है, प्रॉफिट है, एक मिनट बात ही नहीं सुन रहा, खाली इसके भाग भी। सुनिए बात, मैं आपके बिजनेस हाउस में, आपके मीडिया हाउस में पैसा प्रॉफिट के लिए लगा ही नहीं रहा हूं, आपका लॉस भुगतने के लिए तैयार हूं, मुझे तो आपको गवर्न करना है, मैं तो आ इसलिए रहा हूं, प्राइवेट ट्रीटी है तो सर, प्राइवेट ट्रीटी ये है कि मुझे आपके मीडिया हाउस में पैसा तो मैं अपने बिजनेस से कमा रहा हूं, अशरफ भाई मुझे आपके मीडिया हाउस में 49% या 50% स्टेक इसलिए चाहिए कल मेरे खिलाफ खबर छापते हुए, बोलते हुए, दिखाते हुए आप थोड़े से घबराएं, आप थोड़े से डर जाएं, क्योंकि मैं आपका मालिक हूं। नहीं, क्योंकि शायद इसलिए भी आप नहीं आ रहे हैं क्योंकि अगर आपने कोई अच्छा काम किया तो भी दूसरा मीडिया उसको नहीं दिखा रहा है, और आप जो भी बुरे काम कर रहे हैं सबसे पहले दूसरा मीडिया आपको दिखा रहा है, वो एक तो आप वहां भी नहीं बच पा रहे हैं। नहीं, वो कोई दिखाए या ना दिखाए, मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि क्या मॉरली ये करेक्ट होगा कि एड स्पेस के अलावा न्यूज में इंटरफेरेंस आए और जो सच्चाई के अलावा कोई और चीज रिपोर्ट की जाए, अगर मिसाल के तौर पर कोई प्रोडक्ट डेफिशिएंट है या कम है तो उसकी वो डेफिशिएंसी नहीं बताई जाए बल्कि उसको गलत बयानी की जाए या कोई बात को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाए जस्ट बिकॉज वहां कमर्शियल इंटरेस्ट है, क्या ये एथिकली एंड मॉरली सही लग रहा है? नहीं, बिल्कुल गलत है, लेकिन एक सवाल आपसे भी है मेरा, ये बिल्कुल गलत है और मैं कभी नहीं कह सकता कि ये सही है, लेकिन दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर मैं जिस चीज को ओन कर रहा हूं, जिस फैमिली को ओन कर रहा हूं, क्या मेरी फैमिली के लोग मेरी बुराई कर सकते हैं? देखिए या करते हैं, क्या मैं जिस अखबार का मालिक हूं, जाहिर सी बात है वहां मेरे खिलाफ नहीं लिखी जाएगी चीजें, लेकिन क्या आप दूसरे अखबारों में उनके बारे में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? मैं जिस चैनल का मालिक हूं उस चैनल पे खबरें नहीं दिखाई जाती मेरे मुताल्लिक, लेकिन क्या दूसरे चैनल के जरिए उनके बारे में आपको पता चलता है या नहीं चलता है? इसका मतलब यह है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जर्नलिज्म
صحافت, اس میں اس طرح کی چیزیں آگے مجبوریاں ہو سکتی ہیں. لیکن لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو اس کے بالکل کانٹرڈکشن میں ہو, آپ کے سوال کا جواب بھی ہے. قرآن کے اندر ایک آیت ہے سورہ نساء میں, سورہ 4 آیت نمبر 135, اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا, اے ایمان والوں کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے گواہ بن کر, چاہے خود کے خلاف کیوں نہ ہو. یعنی خود کا میڈیا ہاؤس ہے اور انصاف کی جو بات ہے, مطلب خود کے خلاف کیوں نہ ہو, چاہے خود کے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو, چاہے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو, چاہے امیر کے خلاف کیوں نہ ہو, چاہے غریب کے خلاف کیوں نہ ہو, تو سچائی کے لیے تو کھڑے ہونا ہوگا. اور یہی تو بات ہے نا, یہی تو ریئل جرنلزم ہے جو آئی تھنک کملی جی بولنے کی کوشش. ایک سوال ہے یار. جی جی بالکل. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج چاہے وہ اخبار ہو چاہے وہ کوئی چینل ہو, مارکیٹنگ ایڈیٹوریل پہ حاوی ہوتی ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ مارکیٹنگ ایڈیٹوریل پہ حاوی ہوتی ہے آج کی تاریخ میں. ایڈیٹوریل بیچارہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ایڈیٹر کا, جو بھی ہے, کوئی مارکیٹنگ والا آتا ہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں, یہ کرنا ہے. نہیں دیکھیے 100% نہیں ہو سکتا ہے. میں بالکل رہا ہوں, مارکیٹنگ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے, ایڈیٹوریل ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹنگ والا یہ لا کے کہے کہ صاحب مجھے پہلے پیج پہ ایڈورٹیزمنٹ چاہیے, پہلے پیج پہ چاہیے, تو ایکسٹرا پیپر استعمال کر کے جو آج کل چلن میں ہے, کہ آپ جتنے بھی بڑے اخبار ہیں, میں نام نہیں لیتا, جتنے بھی بڑے اخبار ہیں آپ اٹھائیے, اس کے پہلے دوسرے تیسرے پنے پہ صرف آپ کو ایڈورٹیزمنٹ ہی ملے گا. یہ مارکیٹنگ والے یہ ضرور کر سکتے, لیکن مارکیٹنگ والوں کی اتنی نہیں چلتی کہ وہ کسی خبر کو گرا سکے اور کسی خبر کو اٹھا سکے, پہلی چیز. دوسری چیز, بہت سارے چینل جو بڑے چینل ہیں وہاں پہ آپ کافی پریشان ہو جاتے ہیں بریک میں کہ ان کے پاس ایڈورٹیزمنٹ چل رہا ہے تو چل رہا ہے, وہ خبر آ ہی نہیں رہی ہے. یہ مارکیٹنگ والے اس ٹائم اسپیس میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ صاحب یہ پرائم ٹائم میں ہی ڈالیں گے, لیکن پرائم ٹائم کی خبروں کو ہٹا دینا اور اس میں ڈال دینا وہ ان کے بس میں نہیں ہوتا ہے. اور سر آپ نے جو کہا زید بھائی, بڑی اچھی بات کہی جی, کہ سچائی کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. سچ اور جھوٹ کا فیصلہ بھی تو ہونا چاہیے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اور رہا سوال کہ بھائی اسلام جو کہتا ہے, جو مومن ہے وہ اسے مانے گا اور مانتا ہے اور اسی پہ چلتا ہے. نہیں, یہاں سوال یہ ہے کہ سارے انسانوں کے لیے مورل صحیح کیا ہے. ایک یہ بات ہے کہ صحیح کیا ہے وہ ہم ایک بار ڈیفائن کریں, پھر اس تک پہنچنے کی کوشش کریں. صحیح اور غلط کا ایک یونیورسل اپنا پیمانہ ہے, یونیورسل پیمانہ ہے. اس کے علاوہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں. اشرف بھائی ابھی جو سوال کیا کملے جی نے کہ مارکیٹنگ ایڈیٹوریل میں کتنی ہاوی ہے, میں نیوز چینل کی تو بہت زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن باقی انٹرٹینمنٹ چینل کی اگر میں بات کروں تو وہاں سمپل ایک طریقہ ہے. پروگرامنگ ڈپارٹمنٹ ایک پروگرام طے کرتا ہے, حتیٰ کہ کرکٹ خریدتا ہے, تو کوئی بھی پروگرام فائنل ہونے سے پہلے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو جاتا ہے کہ بھیا تم اس کو بیچ پاؤ گے, کتنے میں بیچ پاؤ گے, اس حساب سے ہم کرکٹ میں بٹ کریں جا کے, اس حساب سے ہم اس پروگرامنگ کو طے کریں, اس حساب سے اس کی بجٹنگ طے کریں. اور آپ یقین کیجیے کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ آپ کی کتنا بڑا کریٹو سیٹسفیکشن اور ڈس سیٹسفیکشن. میرے سامنے پروگرامنگ ہیڈ بیٹھے ہیں, آپ نے تو چینل چلایا ہے اور زی ٹی وی کو 6 لاکھ سے اور 6 کروڑ تک پہنچایا ہے بلنگ اس کی 90s میں. تو بغیر مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے عجیب یہ کوریلیشن ہے. میں نیوز چینل کی خود ہی کہہ دیا کہ 6 لاکھ سے 6 کروڑ تک پہنچایا ہے, وہ وہی ہے. نہیں وہ اس لیے پہنچایا کہ مونوپولی تھی, پہلا سیٹلائٹ چینل. جاوید صاحب ایک بات آپ جانیے, جتنے بھی چینل, میں بار بار وہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی چینل ہوں, اخبار ہو, چاہے وہ انفوٹینمنٹ ہو, چاہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو, چاہے وہ الیکٹرانکس میڈیا ہو, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, وہ لاس کے لیے نہیں آئے ہیں. بزنس بھی امپورٹنٹ ہے. ہمارے لیے سوال یہ ہے, صرف مورال کے لیے نہیں, ڈفرنس. ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ کیا جائز طریقے سے بزنس کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ یہ سوال ہو سکتا ہے. اشرف بھائی سوال ہی ہے اور امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. ایک منٹ, سوال ہی ہے, سوال یہ ہے ہی نہیں. باقاعدہ پیسہ چاہیے چاہیے. سوال یہ ہے کہ ایک چیز ہے ایئر ٹائم, ٹھیک ہے, اسپاٹ بیچنا ہے آپ کو, وہ 2000 میں بیچیے, 2 لاکھ میں بیچیے, 2 کروڑ میں بیچیے, آپ کی اپنی صلاحیتیں ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ جو آپ کے 21.5 منٹ کا کنٹینٹ ہے جو آپ نے بنایا ہے, آپ کی پوری ایڈیٹوریل ٹیم نے بنایا ہے, وہ پرائم ٹائم میں چلنا ہے, کیا ہمیں اسے بیچنا چاہیے؟ دیکھیے تنخواہیں پوری کرنے, بہت بہت امپورٹنٹ. ایک منٹ, اس بات کو پوری یوں کر دوں کہ اگر میری ایک دکان ہے جہاں میں فوٹو فریم بیچتا ہوں اور لوگ میرے سے آگے بہت اچھے اچھے فوٹو فریم خریدتے ہیں, اور میں نے آؤٹ آف ریسپیکٹ وہاں اپنی ماں کی فوٹو ٹانگی ہوئی ہے, اور ایک آدمی آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ میں 10 لاکھ روپے دوں گا اپنی ماں کی یہ فوٹو بیچ دے, کیا میں بیچ دوں؟ ایز گڈ ایز دیٹ. نہیں, یہ سوال آپ نے بہت صحیح کیا اور جواب بھی اسی میں شامل ہے کہ اگر آپ نے فوٹو فریم کی دکان کھولی ہے تو یہ سوچ کے کھولی ہے کہ مجھے یہاں سے معاشیت پیسے کمانے, گھر چلانے. سچی بات. آپ اس لیے فوٹو فریم آپ نے نہیں کھولی معذرت کے ساتھ, کیونکہ وہ
اسلامک طور پہ جائز بھی نہیں ہے, تو خیر اس مدے پہ میں نہیں جانا چاہتا, زید بھائی جواب دیں گے. لیکن آپ نے یہ سوچ کے کھولی ہے کہ مجھے یہاں سے پیسے کمانے, گھر چلانے, مورل اس میں شامل ہے ایک انسان ہونے کے ناطے کہ مجھے کس طرح کی تصویریں بیچنی ہیں اور کس طرح کی تصویریں نہیں بیچنی. یہ ہر انڈیویجول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور آپ یہ جان لیجئے کہ جس طرح کی سوچ آپ کی ہے ویسی ہی دوسروں کی ہو یہ ممکن نہیں, ورنہ برائی نہیں بکتی اس دنیا میں. کملے جی, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں اشرف کریم صاحب کی بات لے کے. سوال یہاں میری اور آپ کی سوچ کا ہی نہیں, یہاں یونیورسل پیمانوں کا ہے. فار ایگزامپل, مثال کے طور پہ ہمارے ملک میں نیوڈیٹی نہیں بکنی چاہیے, تو نیوڈیٹی نہیں بکنی چاہیے, اس میں میرے اور آپ کی سوچ کا سوال نہیں ہے. اگر میں نے فوٹو فریم کی دکان کھولی ہے تو اس میں نیوڈ تصویریں نہیں ہونی چاہیے, یا تصویروں کی دکان کھولی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہم آگے وہاں پہ آ رہے ہیں کہ کیا ہم کنٹینٹ کو بیچ سکتے ہیں. بات صرف نیوز چینل کی نہیں ہے, بات اگر میں بینگ انٹرٹینمنٹ چینل میں ایک ایسا پروگرام بناؤں جس پروگرام میں کوشش یہ کروں کہ میرے کریکٹرز جو ہوں وہ ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوں اور وہ الیکشن پہ انفلوئنس ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوں, اور میں باقاعدہ اس پہ انفلوئنس لانے کی کوشش کروں, تو یہ بےمانی نہیں ہوگی؟ بالکل بےمانی ہوگی, اور یہ کام بھی نہیں کرے گا, یہ بالکل فلاپ ہو جائے. کیونکہ جہاں تک انٹرٹینمنٹ کا سوال ہے, یہ اتنا آسان وشے نہیں ہے, کیونکہ اتنا بڑا دیش ہے, اتنی ورائٹی ہے, اتنی الگ الگ لوگوں کی سینسیبلٹی ہے, سوچ ہے, سروکار ہیں, کنسرن ہے, ہر طبقہ ایک سائیکل ٹھیک کرنے والے سے لے کے اور لکھے پڑھے آدمی تک جو پی ایچ ڈی ہے, ایک پورا پھیلاؤ ہے. رائٹ. اور اتنے دھرم ہیں, مذہب ہیں, اتنی بھاشائیں ہیں, اتنے سنسکار ہیں, اتنی کلچرس ہیں, تو اس ملک میں انٹرٹینمنٹ سب سے مشکل کام ہے, سب سے مشکل کام ہے. اسی لیے ظاہر ہے جو امریکہ میں چل سکتا ہے, یہاں بالکل ضروری نہیں کہ وہ چلے. نہیں چلے, ان کی سینسیبلٹی ہے, ان کی سوچ ہے, ان کے ایک سنسکار ہیں, ان کا سماج, اس کے پیچھے ان کا پورا اتہاس ہے, ہمارے پیچھے ہمارا پورا اتہاس ہے, ہم اس کو انکار نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے. ہاں, لیکن سوال جو یہاں پہ اٹھتا ہے وہ یہی اٹھ رہا ہے کہ جو ڈیپینڈ کرتا ہے نا, ہر جگہ اچھائی اور برائی موجود ہے, اور ہم گھما پھرا کے انہیں کو, لیکن اچھے پہلو کو دیکھیں. اشرف صاحب, اب میں آپ کے پاس ایک بہت اچھے سوال کے ساتھ آنے والا ہوں, اس سے پہلے میں زید بھائی کے پاس جاؤں گا, اور بہت دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ ایک سوال مجھے آپ سے کرنا ہے, ابھی آپ نے بھی کر ڈالا کہ وہ زید پٹیل صاحب بتائیں گے. زید بھائی, یہ حرام حلال کے حوالے سے انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے, میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو تصویروں کا کاروبار ہے, کہ پہلی بات تو کیا یہ میڈیا تصویروں کا کاروبار ہے, چاہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو, چاہے وہ آپ کا نیوز ہو, یا کرنٹ افیئرس ہو, یا کچھ بھی ہو, یہ جو نفس میڈیا ہے اسے اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے, اور اسے ناجائز اور جائز کہنے والے لوگوں میں سے کون کتنا سچ ہے؟ دیکھیے, میں چاہوں گا کہ دنیا کے جو بتائے ہوئے پرسپیکٹیوز ہیں ہم انہیں پھر سے ری کوشچن کریں. یہاں کیا ہوتا ہے, کئی بار لوگ ایک سوچ اپنا لیتے ہیں اور اسی چیز کو صحیح مانتے ہیں. میں آپ سب کے سامنے ایک ایسی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرنٹ ٹرینڈ ہے انٹرٹینمنٹ, ٹیلی ویژن, فلمس, میں بیسس آف انٹرٹینمنٹ کو کوشچن کرنا چاہتا ہوں. وائی ڈز اے پرسن نیڈ انٹرٹینمنٹ؟ ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسے زندگی میں مقصد نہیں ہوتا. اب جب زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے تو زندگی کا خالی پن جیسے کہ کاٹنے کو آتا ہے. اب اس میں بہت انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے. اگر انٹرٹینمنٹ نہیں ہوگا تو ایک انسان سفوکیٹڈ فیل کرے گا. تو یہ انٹرٹینمنٹ کے اندر جو چیزیں آتی ہیں, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے مالک کو بھول جاتا ہے, کیونکہ مالک کو یاد دلانے والی چیزیں آپ کی فلموں میں ہوتی بھی نہیں ہیں. آئی ایم ٹیکنگ آبجیکشن ٹو اٹ. جو نارمل جو بات ہے وہ اس کے رول ماڈل اور آئیڈیلز, یہ فلم اسٹارز ہو جاتے ہیں. فلم اسٹارز جو ایک ایسی قوم اور ایسے آپ سمجھ لیجئے ایسی قسم کے لوگ ہیں جو پیسوں کے لیے اپنے لباس کو بھی اتارنے تیار ہے, پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے تیار ہوتے ہیں, اور وہ لوگوں کے رول ماڈلس ہیں. ہماری جو نیکسٹ جنریشن کو پوچھیں گے تمہیں کون سب سے اچھا لگتا ہے, تو وہ ایک فلم اسٹار کا نام دے گا کہ مجھے وہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے تعلق سے کچھ اسے احساس نہیں ہوتا کہ میری زندگی میں مقصد کیا ہے. اسے ہم دیکھتے ہیں کہ آپسینٹی اور کئی سارے رانگ چیزیں, الکوہل, ہیروز شراب پیتے ہیں, تو کیا غلط ہے؟ یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ شراب سے کتنی ساری بیماریاں ہوتی ہیں, شراب سے کتنے سارے گھر برباد ہوتے ہیں, کتنے سارے سوشل پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں, کتنے سارے میڈیکل پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. تو آف کورس یہ چیز کا صحیح استعمال حلال ہوگا اور غلط استعمال حرام ہوگا. اب میڈیا کے اندر کئی سارے فارمیٹس ہیں. فار ایگزامپل, اگر ہم فلم میڈیا کی بات کریں, جو ویڈیو میڈیم ہے, اس کے تعلق سے بات کریں, تو اسکالرس جنرلی دو طرف گئے ہیں. کچھ اسکالرس کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا میڈیم ہے جو ایک اسٹل فوٹوگرافی کے تعلق سے, کہ بھائی ایک پرسن ڈرا کر رہا ہے, تو وہ ڈرا کرنا کئی بار رانگ چیزوں کی بنیاد بنی ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی کی تعریف کرتے کرتے کرتے, جیسے ایک ہندی میں شبد ہے آئیڈل ورشپنگ کی طرف آ جائے, اور ایک ہے بھگوان, تو ایک اچھے انسان کی تعریف کرتے 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 فائنلی اس کی ورشپ کرنا شروع کر دیا. یہ ایک انسانوں میں ٹرینڈ رہا ہے. تو جیسے وہ چیز کو کنٹریبیوٹ کرنے والی چیز تصویر ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تصویر بناتا ہے اسے قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ اس میں جان ڈالو, اور نہیں ڈالے گا تو اسی ذریعے سے عذاب دیا جائے گا. لیکن کیا ویڈیو ٹیپس, کیا یہ اس میں آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. تو اسکالرز دو طرف گئے ہیں. ایک طرف یہ ہے کہ یہ جو ویڈیوگرافی ہے
या वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो टेपिंग है, इसके अंदर जो इमेज है वो चले जाती है। जैसे मिरर के सामने एक आदमी खड़ा है और चला गया तो इमेज चली गई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिरर में देखने से तो मना नहीं किया, हाँ वीडियो ड्राइंग से मना किया। ये हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे वो जो मिरर की इमेज है वो प्रिजर्व हो रही है। ये एक पर्टिकुलर व्यू है जो शेख इब्न उसैमीन और ऐसे दूसरे स्कॉलर्स ने बनाया है। दूसरी तरफ ऐसे स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं नहीं ये मना है, गलत है, लेकिन वो कहते हैं वो चीज़ को यूज़ किया जा सकता है कुछ लिमिटेशंस के साथ ताकि एक सही बात फैलाई जाए। तो इसकी कई सारी मिसालों के साथ में, जैसे बिल्कुल सही बात कही थी कि उसके हार्म का पहलू ज़्यादा है या अच्छाई का पहलू ज़्यादा है, उसको यूज़ करते हुए किया जा सकता है। लेकिन जनरली मैं क्वेश्चन करता हूँ, ये जो एंटरटेनमेंट के फॉर्म्स जो हमारी सोसाइटी में मिलते हैं, वी रियली हैव टू क्वेश्चन कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन को क्या बना रहे हैं। और ये चीज़ का बिल्कुल असर होता है, क्योंकि इंसान कुरान की आयत है खुलकल इंसानु दईफा, अल्लाह कहता है मैंने इंसान को कमज़ोर बनाया है। तो कमज़ोर इंसान पर असर पड़ता है, जो वो देख रहा है, जो उसके सामने बार बार रखा जाता है, तो वो चीज़ का जब असर पड़ता है तो क्या हम इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्टिव फॉर्मेट्स, अब ये भी आई बिलीव किसी के लिए एंटरटेनिंग होगा, हम जो बातें कर रहे हैं भाई, जो आपका एक व्यू है और जो आप कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, और जो बातें ये भी किसी के लिए एंटरटेनिंग हो सकती है और एजुकेटिंग भी है, तो क्यों ना हम इस तरह के फॉर्मेट्स बढ़ाएं और लोगों में आम करें ताकि लोग उस चीज़ से कुछ सीख के भी जाएं, कुछ हासिल भी करें और कुछ दुनिया के अंदर ज़िंदगी में कुछ इजाफा भी हो। जो ऑब्सिनिटी आज हमारे माशरे में आम हो गई है, देयर इज़ नो डिनाइंग इट कि फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है इस ऑब्सिनिटी को माशरे में फैलाने में, और बढ़ाते बढ़ाते वो कहाँ ले जाया जा रहा है, फाइनली कहाँ एंड होने वाला है और कहाँ पे जाया जा रहा है, वो हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर जहाँ ऑलरेडी पहुँच चुका है। वो बात सही, इसलिए मैंने कहा ना कि जो हमारे मीडिया की जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, जो मीडिया उसके प्रति जागरूक नहीं है, होशपूर्ण नहीं है, अवेयर नहीं है कि उसकी जिम्मेदारी है। मैं मानता हूँ, मैं अभी मानता हूँ कि मैं थोड़ा सा ओल्ड फैशन हुआ अपने मीडिया में, हमारी फिल्मों में हम ऐसी फालतू कुछ भी ऐसा खरीफ एंटरटेनमेंट के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आपने जिस तरह से कहा कि आप आउटडेटेड हैं, हाँ, कभी आपने सोचा कि आप आउटडेटेड क्यों हैं? उसकी वजह ये है, मुझे पता है, उसकी वजह ये है कि आप अपनी सोच इस सोच से नहीं मिला पा रहे हैं, इसलिए आप आउटडेटेड। एक छोटी सी घटना है, मैं जी टीवी में क्यों गया, जी जी, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। मैं 1984 में राजीव गांधी का इलेक्शन कैंपेन कर रहा था, मैं एडवर्टाइजिंग में था उनकी तरफ से। तो एक दिन रात को हम लोग अमेठी में कॉफ़ी पी रहे थे और वो मीडिया के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि मैं कुछ वीडियो फुटेज लेने गया था डीडी, और वहाँ बेसमेंट में मकड़ी के जालों और गंदी के बीच वो आर्काइवल फुटेज पड़े हुए। तो मैंने कहा, राजीव अगर मैं तुम्हारी जगह होता डीडी को कोर्ट में ले जाता, क्योंकि डीडी ने इस मुल्क के 38 साल बर्बाद किए हैं। 38 साल में डीडी चाहता तो इस मुल्क को ऐसा टीवी दे सकता था, 3 पीढ़ियाँ एक अच्छे टीवी पर बड़ी होती। जैसे हम फिल्मों में बड़े हुए 50-60 के दशक में, हमारी सोच हमारे आदर्श उनसे फॉर्म हुए हैं, और मैंने वो एग्जांपल दिया कि टीवी जो है ये फिल्म से भी ज़्यादा ताकतवर है, बेशक, क्योंकि ये रिपीटिटिव है और एडिक्टिव है, एडिक्टिव है। जैसे आदत पड़ती है गुटखा की शराब की, टीवी की भी आदत पड़ती है, एडिक्टिव है और रिपीटिटिव है, इसकी ताकत का कोई हिसाब नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया कि हॉलीवुड में टीवी आया 50s में, सन 50 के आसपास टीवी आया, और 3 लड़के जो अमेरिका की पहली टीवी जनरेशन थे, लुकास, स्पीलबर्ग एंड कपोला, दे चेंज हॉलीवुड। मीडिया की ये ताकत है, मगर हमारे यहाँ मीडिया अपनी ताकत का इस्तेमाल जो करता है उसके पीछे कोई जिम्मेदारी का एहसास बहुत कम होता है। अच्छा, मैं सबको रोकता हूँ और एक बहुत डिफरेंट और अलग तरह का सवाल करता हूँ। अशरफ भाई, हमने इंटरनेशनल मीडिया में एक बात सुनी है और उसका कहीं कहीं जिक्र हम हिंदुस्तान में भी देखते हैं, और वो ये कि मीडिया हाउसेस चलाने के लिए खबरें क्रिएट की जाती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? कमलेश जी, बड़ा सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट सवाल है और इंटरनेशनल सवाल है। सवाल आपका वाकई में बहुत अच्छा है। खबरें कभी क्रिएट नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अपने आप में ही इंट्रोडक्टरी, मतलब खबर आप कैसे क्रिएट करेंगे? खबर खबर है, खबर क्या है? हैपनिंग है। हैपनिंग किस तरह की है? दो तरह की है। एक तो ये कि आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं और वो समाज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तभी वो खबर बनेगा। अगर वो बहुत इम्पोर्टेंट है तो खबर है, अगर वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो फिर आप ऐड की शक्ल में दे सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो समाज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कहीं कोई बड़ी चीज़ घट जाए, कोई घटना घट जाए, कोई हादसा हो जाए, तो वो खबर है। हाँ, इतना ज़रूर है जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं चीज़ों को, खबरों के तह तक पहुँचते हैं। मुमकिन है कि वो खबर बहुत पहले हुई हो, वो दबी छुपी रही हो, लेकिन खबर तो थी। लोग कहते हैं कि उसे क्रिएट कर दिया, क्रिएट नहीं किया, वो तलाश के लेके आया और आप तक पहुंचाया।
क्योंकि देखिए प्रिंट में क्या है, प्रिंट में तो आप लिख देंगे, लेकिन जहां आप चैनल पे देख रहे हैं ना, ये जो जितने सवाल आपके जहन में आ रहे हैं, ये पेड न्यूज है और ये फला ऐसा है और ये वहां देखा था और उसने देखा इसलिए गोली मार दी और वो वैसा चल गया, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वो तस्वीरें देख रहे हैं, वो ऑडियो विजुअल आपके नजरों के सामने है, इसलिए जहन आपका काम कर रहा है और आप ये बता रहे हैं कि ये ऐसा हुआ। लेकिन जैद भाई से मेरा एक सवाल, एक मिनट मैं यहाँ आपकी बात को थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करूंगा। मैं जिस प्रोस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा नाम लिए बगैर मैं बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम पिछले 10-20-30 सालों में इंटरनेशनल मीडिया और उसकी ग्रोथ और उसका रोल देख रहे हैं और उसे इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह के मीडिया को वेपन कहा जाने लगा है और वेपन की तरह इस्तेमाल भी किया जाने लगा है। जैसे मेरा एतराज़ है खबर क्रिएट करने वाली बात, दो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक इंटरनेशनल और एक नेशनल। इंटरनेशनल एग्जाम्पल ये है कि इतना बड़ा टेररिस्ट, वो कभी भी उनकी कैसेट, एक वीडियो या ऑडियो कैसेट किसी एक चैनल पर रिलीज होती है और किसी एक खास मौके पर रिलीज होती है, उससे पहले ना उनका कोई जिक्र है, ना बात है, ना चीत है, ना कुछ है। एक मखसूस चैनल पे एक दुनिया का इतना बड़ा टेररिस्ट है जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, अमेरिका में या किसी एक जगह कहीं कोई इलेक्शन है, उसके ठीक पहले वो धमकी भरा एक वीडियो जारी करता है और वो वीडियो एक मखसूस चैनल पे एक मखसूस वक्त पे दिखाया जाता है, उसके जितने फ़ायदे उठाए जा सकते हैं वो वहाँ का सियासी या गैर सियासी माहौल वो फ़ायदे उठा लेता है और वो सो कॉल टेररिस्ट फिर कहीं किसी गार में जाके गुम हो जाता है, फिर 2-4 साल के बाद कोई ऐसा मकसद खड़ा होता है, उसके जस्ट बिफोर फिर कोई एक ऐसी कैसेट रिलीज होती है, फिर सो कॉल उसी तरह के चैनल पे उसी तरह का एक वीडियो चलता है, फिर इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को, फिर हो जाता है। ये खबर क्रिएट करना नहीं है तो क्या है, एक बात। दूसरी बात, इंटरनेशनल लेवल में मैंने आपको बताया। तीसरी बात, हिंदुस्तान में आ जाइए, आज करंट जो कुछ चल रहा है उस पर आ जाइए। मैं शरीफ आदमी हूँ, आप शरीफ आदमी हैं, दोनों सियासत में, और दोनों सियासत में बड़े काम करना चाहते हैं और दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ हैं। मेरी और आपकी टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है मोरल और इमोरल। सवाल यह है कि वो इमोरल तो खुलने के बाद पता चलती है, आज जिस वक्त आप वो गुफ्तगू कर रहे हैं आपको इमोरल उमोरल नहीं पता, और जिस वक्त मैं उसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी नीयत कितनी खराब है, जबकि मेरी आपकी दोस्ती है। नहीं, अभी कोई न्यूज नहीं बनी, वो सर मेरी आपकी दोस्ती है, मैं और आप एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन कंपेन मनाने जा रहे हैं, उस वक्त अगर मैं आपकी की गई गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे दिमाग में यह कल मैं इसकी न्यूज बनाऊंगा। यानी आप इमोरल हैं और इल्जाम मीडिया पे, दोनों इमोरल हैं। नहीं नहीं, मीडिया पे इल्जाम नहीं साहब, एक मिनट, मैं मीडिया पे, यहाँ मीडिया पे इल्जाम दे ही नहीं रहा, बात मीडिया की हो रही थी कि खबर क्रिएट करने की। सर मैं मीडिया पे इल्जाम नहीं दे रहा कतन, मैं ये कह रहा हूँ मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ इल्जाम मीडिया पे नहीं है। लोग, जाहिर सी बात है कि अगर खबर क्रिएट हो रही है तो उसमें मीडिया से ज्यादा उन लोगों का फायदा जिनके लिए क्रिएट हो रही है। अगर किसी टेररिस्ट का वीडियो जारी होता है किसी चैनल पे तो उसका फायदा किसको पहुंच रहा है? सर मैंने शुरुआती दौर में आपसे, इससे पहले जब ये सब शुरू हुआ था तभी हमने कह दिया कि बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जो हम तक पहुंची नहीं होती हैं, और जब वो पहुंचती हैं और हमें लगता है कि इसका वाकई में इम्पोर्टेंस है, हो सकता है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि कभी कभी उसका नाजायज या गलत फायदा उठा लिया जाता हो, मैं इनकार नहीं कर रहा। अगेन सवाल, अशरफ करीम साहब अलग जा रहे हैं, आप फायदा उठाने पे मैं हूं ही नहीं। मेरा सवाल यह है कि फायदा लेने के लिए खबर क्रिएट किया जाना। सर ये खबर तो आपने बनाई है, ये खबर आपने, जैसे जैसे हमारे और आपके बीच बात हुई और आपने इसे रिकॉर्ड कर लिया, ये आपने रिकॉर्ड किया, ये आपकी जो भी सोच रही हो, घटिया या अच्छी, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपने वो हम तक पहुंचा दी। तो अब एक आदमी की छवि ऐसी है कि वो उसके बिल्कुल बरक्स है जिस तरह की वो बातें कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हमें ये लगता है कि ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए हमने वो पहुंचाई। ये आपने की अशरफ साहब, पहुंचाने की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं, मैं वहां इल्जाम अपने आप को दे रहा हूं, जहां अगर मैंने ये रिकॉर्डिंग की, हाँ, रिकॉर्डिंग करते वक्त मेरी सोच क्या थी, खबर क्रिएट करना इमोरलिटी थी, या वो वीडियो टेप बनाते वक्त जो जंगल में किसी जगह एक टेररिस्ट को खड़े करके वीडियो टेप बनाया जा रहा है, अगर वो वीडियो टेप बनाया जाना खबर क्रिएट करना नहीं है तो क्या है? ये आप इस तरह का सवाल उठा रहे हैं जैसे कि आपने ये फैसला सादिर कर दिया कि ये नहीं है तो क्या ये आप अंदाजे लगाइए, मीडिया के आदमी है भाई, आप लोगों के डिस्कशन सुन के बोल रहा हूं मैं। अंदाजा तो हर बात पे लगाया जा सकता है, हर खबर पे। सर 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 सर, कई बार जावेद साहब, कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज को आप देखकर एनालाइज करते हैं, आपने जिस तरह से सोचा हो, जरूरी नहीं कि हमारी सोच भी वही हो। एडजेक्टिव से काम ले रहा हूं, दूसरे उससे नहीं, एडजेक्टिव से, मैं बड़ी अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूँ। मैं आपको फिर से सवाल दोहरा दूं कि एक सो कॉल्ड टेररिस्ट का वीडियो टेप मुसलसल, एक दो दिन नहीं, 2-4, 10-5 साल एक ही टीवी चैनल पे कुछ खास मौकों पे चलता है बस, और जिसका फायदा उठाया जाता है, आप ये बताइए ये मेरा ये ऑब्जर्वेशन सही है या गलत?
नहीं, आपका ऑब्जर्वेशन आपके हिसाब से सही हो सकता है। मुझे आप डिफर करते हैं। ऑब्जर्वेशन को मैं सही या गलत कैसे? मैं आपसे आपकी राय पूछ रहा हूं भाई। ये तो आपका, आपकी राय। मेरी राय ये है कि ये अगर आपका ये ऑब्जर्वेशन है और आप कोई अथॉरिटी है तो आप इस पे, अगर मैं कोई लेमैन हूँ, देख रहा हूं, ठीक है, मैं मेरा ऑब्जर्वेशन बताइए। मैं ये समझता हूँ कि लेमैन जो है, जो नाजरीन होते हैं, उन्हें कम से कम इतनी मैच्योरिटी पैदा करनी चाहिए अपने अंदर कि सिर्फ जो न्यूज चैनल जो न्यूज बना करके ले आए उसे ब्लाइंडली नहीं फॉलो करें, बल्कि खुद का एक इवैल्यूएशन, जैसे कि हदीस बताई कि चेक करो, उसके चेक के मुताबिक से एक मिजाज बनना चाहिए, क्योंकि एक टाइप का वॉर है कि मीडिया को वॉर के वेपन की तरह यूज किया जाता है। मैंने कहा, पहले कहा कि मीडिया को इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री के लोगों के जहर बनाए जाते हैं ताकि किसी कंट्री को जाके अटैक किया जाए, ऐसे बहुत कुछ होता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम बहाव के साथ बहने की जगह कम से कम इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखें और खुद सोचें कि भाई आखिर में हो क्या बेहतर है। मेरी बात आपने कह दी, लेकिन वो मैं उसी के हम याद कर रहा हूं। अशरफ की बात बिल्कुल सही है कि मीडिया को भी फीड किया जाता है और कभी कभी मीडिया भी धोखे में आ जाता है। सर मेरा बुनियादी की वजह से हो, नहीं मेरा मानता ही नहीं इस बात को कि साफ गलती नहीं हो सकती। नहीं नहीं, मेरा अशरफ भाई होती रही है। अशरफ भाई मेरा बुनियादी सवाल ही ये है कि क्या मीडिया इन बनाई हुई खबरों से इन्फ्लुएंस हो जाता है या इस्तेमाल हो जाता है? मेरा अगेन वही है, और मैं इंटरनेशनल मीडिया के प्रोस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। एक चीज आप ये कह सकते हैं कि क्या खबरों को सेंसेशनल बनाया जाता है, ये अलग बात है। नहीं, ये अलग बात है, ये अलग बात है, वो अलग बात है, वो आऊंगा उस सवाल पे मैं आपके पास। वो तो बना है, आमतौर पर ये सवाल पूछा जाता है और ये अलग सवाल है कि साहब उसको सेंसिटिव बना के और ये उस तरह से कर रहे हैं। ये जो आप जो सवाल कर रहे हैं ना, ये अगर आप किसी एक चैनल के बारे में ये कह सकते हैं, एक ही चैनल का जिक्र आपने किया और उस एक ही चैनल पे बार बार चलता रहा है, ठीक है, वो सारे लोग जानते हैं। बातें तो बहुत तरह की, जो सोशल मीडिया है वो भी एक मीडिया है, उस सोशल मीडिया पे जाइए तो वहां आपको इन तमाम तरह सवालों का जवाब मिल जाएगा जो आप जवाब चाह रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि कभी कभी मीडिया का इस्तेमाल कर लिया जाता है, मैं शुरू से कह रहा हूँ। सर आप इसी नोट पर रोक रहा हूँ, एक मिनट अशरफ साहब, इसी नोट पर रोक रहा हूँ। कमलेश पांडे जी, मैं आपसे इंटरनेशनल मीडिया के प्रोस्पेक्ट पे ही, क्योंकि इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, आपसे सवाल एक पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ पूरे गल्फ में जो अभी करंट हालात चल रहे हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उसमें मीडिया का जो रोल है और वेस्टर्न मीडिया का जो रोल है, किसी एक जर्नलिस्ट को पकड़ा जाता है या किसी एक पायलट को पकड़ा जाता है और उसको बहुत ब्रूटली टेररिस्ट ग्रुप के लोग मार डालते हैं, जला डालते हैं। सोशल मीडिया, मीडिया दुनिया भर के चैनल उस पर इतना फुटेज खर्च करते हैं, इतना फुटेज खर्च करते हैं जो किसी हद तक किया भी जाना चाहिए, और हम सब लोग, दुनिया के तमाम लोग उन्हें बुरा भला भी कहते हैं, रोते हैं, गाते सब करते हैं। ऑन द कंटेम्परेरी एक हादसा, एक वाक्य होता है, हादसा क्या, टेररिस्ट एक्ट होता है पाकिस्तान के अंदर, जहां 200 से ज़्यादा मासूम बच्चों को मार डाला जाता है, मारने वाले भी वही हैं, मरने वाले भी वही हैं, वहां कोई टेररिज्म एक्ट ऐसा दिख नहीं रहा जिससे इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू इंटरनेशनल कम्युनिटी को या वेस्ट को कोई बज़ाहिर फ़ायदा होता नज़र आ रहा हो। उसको इंटरनेशनल मीडिया पे इतनी छोटी सी जगह मिलती है, इतनी छोटी सी जगह मिलती है कि वो हादसा हम तमाम दुनिया के लोग मुश्किल से एक हफ्ता याद नहीं रख पाते और भूल जाते। क्या आपको इंटरनेशनल मीडिया के इस बर्ताव में कोई पार्शियलिटी नज़र नहीं आती? ये पूरी साजिश है, ये पूरी साजिश है इंटरनेशनल मीडिया की। अगर आप गौर करें, उनके शो देखते हों या अखबार पढ़ते हों फॉरेन के, अधिकतर हमारे बारे में सिर्फ बुरी खबरें ही छपती हैं। कभी भी अच्छी खबर हिंदुस्तान के बारे में छपी हो, बहुत कम, कभी कभी होती है, वो कैसे होती है मुझे पता नहीं, कभी कभी होती है, अक्सर बुरी खबर ही छपती है। हम लोग उनके लिए सिर्फ एक बाज़ार है जहाँ वो अपना सामान डंप कर सकते, और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा हमारी कोई अहमियत नहीं उनके लिए। हमारी आबादी हमारी ताकत है, ठीक है, थोड़ी इकॉनमी अच्छी कर रही है, उनको थोड़ा लगता है यार हमारे यहाँ तो सब भूखे मर रहे हैं, मतलब इकॉनमी नीचे जा रही है, इनके ऊपर जा रही है, चलो यहाँ इनको पकड़ो। एग्जांपल दूँ, अभी अखबार में खबर छपी कि पाकिस्तान के पास हिंदुस्तान से ज़्यादा एटॉमिक वेपन्स हैं। ये सिर्फ खबर नहीं है, ये पूरी साजिश है कि अभी हिंदुस्तान जो है वो भैया डर जाएगा, कमाल है, अभी अभी हमारे समझौते हुए हैं, बहुत न्यूक्लियर डील हुई है अमेरिका के साथ, जाहिर है कि हमें और एटॉम बॉम्ब बनाने पड़ेंगे, अभी यूरेनियम चाहिए होगा। ये बच्चों का खेल एक तरह से कि उन्होंने एक फेंक दिया जुमला, आपसे ज़्यादा उसके पास, आपकी सबसे ज़्यादा चीन के पास है, आपसे ज़्यादा पाकिस्तान के पास, अब हम लगे पड़े हैं पीछे, बड़े बनाइए। और अब हमने हमारी नीतियाँ जो हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया है वो हमारी नीतियां भी डिफाइन करता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी और प्रोवोक करता है, डिफाइन करता है, डिजाइन करता है, उनकी लॉबी है, उनके लोग यहाँ घुसे हुए हैं हमारी सरकार में, जिनको वहाँ से पैसा आता है, बल्कि जो अखबार नवीस हैं हमारे भी जर्नलिस्ट, उनकी तनख्वाह पे काम करते हैं, उनके लिए
जो सामान चाहिए उनको मुहैया करते हैं। ये पूरी बहुत बड़ी साजिश और कॉन्स्पिरेसी है जहां इंफॉर्मेशन को एज ए न्यूक्लियर वेपन यूज किया जा रहा है। जैद भाई, आपकी तरफ मैं आता हूं, आपको क्या लगता है ये जो इंटरनेशनल मीडिया है इसने तमाम दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल तैयार किया है और मुसलमानों को, दुनिया भर के मुसलमानों को और उन लोगों को जो मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, जो मुसलमानों के साथ रहते हैं, मुल्क जैसे कि हिंदुस्तान है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में साथ साथ रहते हैं, उनकी उनके दिलो दिमाग में एक राय बनाने की कोशिश की गई है कि इस्लाम इंसानियत के खिलाफ है, इस्लाम भी आतंकवाद का साथ देता है या इस्लाम सिर्फ लड़ाई झगड़े का नाम है। आप क्या समझते हैं कि ये मीडिया और मीडिया में बैठे लोगों की साजिश है या कुछ और है? बिल्कुल सही बात है कि इस्लाम और मुस्लिम्स को कई बार ब्लेम किया जाता है, कोई टेररिस्ट एक्ट होगा, इससे पहले कि पता चले कुछ डिटेल्स क्या है इस एक्शन की, ये पता चल जाता है कि किया किसने है। और कॉमन बात है कि मुस्लिम्स को ब्लेम किया जाता है और बाद में कई केसेस में ऐसा हुआ है कि पता चला कि किसी और ने किया, इंटरनेशनली भी, हमारी कंट्री इंडिया में भी। अब जो ये कॉमन ट्रेंड है, और जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ प्रोटोटाइप्स पेंट किए जाते हैं, अगर मुस्लिम्स का पिक्चर नॉर्मली मीडिया में देखा है जैसे कि हमें लोगों के बयानों से पता चलता है, तो वो ये है कि एक मुस्लिम का एक पर्टिकुलर टाइप का पिक्चर होता है, वो कुछ गंदे किस्म के कपड़ों में होगा, थोड़ा अनएजुकेटेड किस्म का होगा, कई बार शराब या अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ या क्रिमिनल एक्शन करता हुआ होगा, और ये एक कॉमन माइंड में लोगों के बताया जाता है कि देखो मुस्लिम ऐसा होता है। हालांकि अगर आप देखें कि इस्लाम की टीचिंग्स क्या है, इस्लाम ने क्या सिखाया है, अमन के बारे में क्या सिखाया है, एक इंसान की जान बचाने के बारे में क्या सिखाया है, पड़ोसी की मदद करने के ताल्लुक से क्या सिखाया है, किसी का ख्याल रखने के ताल्लुक से क्या सिखाया है, क्या मॉरल्स है जो इस्लाम सिखाता है, इसमें हम देखते हैं कि कई तरह से, जैसे मिसाल के तौर पर जो इस्लाम में हराम एक्शन है वो हराम एक्शन करते हुए किसी मुस्लिम को बताया जाता है, इससे ताकि मुस्लिम माशरा जो इससे देख रहा है वो उससे मुतासर होता है, वो कहते हैं कि अच्छा ये मुस्लिम होते हुए गलत काम कर सकते हैं तो मैं भी गलत काम करूं। तो कई तरह से ये रॉन्ग मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं मीडिया में, और ये एक बहुत अफसोस की बात है। ऑफकोर्स इसके सोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए और तरीका है, लेकिन ये एक रॉन्ग चीज हो रही है, इसका एक एहसास भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा यहाँ सवाल ये है कि क्या इसके लिए जिम्मेदार खुद मुसलमान नहीं है जिसने मीडिया को, अभी आपने खुद कहा कि दो स्कूल ऑफ थॉट है, जिसने मीडिया को, और अगर अशरफ करीम साहब के लफ्जों में कहूँ तो मीडियम को, एक शजर ममनुआ समझ के, एक हराम शय समझ के एक तरफ उठा के रख दिया और बाकी तमाम दुनिया इतनी आगे निकल गई कि उसको वेपन की तरह इस्तेमाल कर रही है, तो क्या हम खुद या हमारा समाज या हमारी आलमी बिरादरी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि सेकेंड थाट जो स्कॉलर्स का है वो ये है, क्योंकि ये वेपन बना करके यूज किया जा रहा है तो बहुत जरूरी था कि कम से कम सच्ची बात, सही बात लोगों के सामने लाई जाए, ताकि हो सकता है सच्चे इंसाफ वाले जो लोग हैं वो सोचेंगे कम से कम। तो ये एक हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि हम देखते हैं कि हमारे पास तो हमारी एक्सेलेंट मीडियाज है मौजूद। जुमा खुतबा एक बहुत बड़ा मीडियम है। अब जुमा खुतबा के अंदर हर कोई जुमा में जमा होते हैं, एक सिंगल पैम्फलेट नहीं पढ़ती, एक सिंगल पोस्टर नहीं पढ़ता है, लेकिन लोग मौजूद होते हैं। ये एक मीडियम है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर कहा कि लियुबल्लिगह शाहिदुल गायब, सही बुखारी की हदीस है, जो मौजूद है वो जो नहीं मौजूद है उन तक पहुँचा दो। और उन्होंने कहा बल्लिगवानी वलो आया, पहुँचा दो मुझसे चाहे एक आयत क्यों ना हो। तो एक बात मालूम है तो पहुंचाओ, मतलब हर आदमी की जो जुबान है ना ये खुद एक मीडिया है। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतूत और लेटर्स भेजे तो उस जमाने की जो बेस्ट अवेलेबल मीडियम था कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर्स डिक्टेट कराए, वो अम्बेसडर्स के जरिए वो लेटर्स अलग अलग बादशाहों तक पहुंचाए गए, तो आज के जमाने की जो बेस्ट अवेलेबल मीडिया है क्या वो सच्चाई को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए थी? तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मुस्लिम्स ने इस चीज़ के अंदर अपनी ये बात कही जा सकती है कि दीनी मालूमात भी कम होने की वजह से और दीन से दूरी की वजह से दुनिया को ये खैर पहुंचाने से दूर रहे और मीडिया से दूर रहे, और ये चीज से बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचा है दुनिया के अंदर। मुझे बहुत अशरफ करीम साहब की बेचैनी नजर आ रही है, बेचैनी इसलिए है क्योंकि जिस टॉपिक पे अभी चल रहे हैं हम लोग, बहुत जमाने से ये सवाल है और मौका मुझे मिल गया है तो मैं चाहूंगा कि अगर आप कुछ क्लियर कर सके, क्योंकि फिक्र इस्लाम का जुज है और चार हिस्से उसके, कुरान हदीस इजमा और कयास, दो जो इम्पोर्टेंट है, कुरान और हदीस, हाफिज कुरान तब भी मौजूद थे, आज भी मौजूद है, हदीसें याद कर ली गई थी बाद में, लेकिन हमें एक मीडियम मिल गया था, वो था पेन और पेपर, कि किसी तरह उसे लिख लिया जाए। तो कुरान को लिख लिया गया, एक शक्ल दे दी गई और हदीसें भी लिख ली गई, हालांकि बहुत बाद में हुआ है ये आपको भी पता है। क्या उस वक्त अगर कैमरे होते तो ये रिकॉर्ड नहीं किए जाते, किए जाते या नहीं किए जाते? ये मैं जवाब बहुत दिनों से देखिए, हम ये देखते हैं कि कई सारी चीज़ें, जैसे एरोप्लेन उस जमाने में नहीं थी, तो हम उस ताल्लुक से जो इस्लामिक स्कॉलर्स है वो इज्तिहाद करते हैं, दे कम टू अ डिडक्शन एंड दे गिव अ वर्डिक्ट। जैसे कोकेन उस जमाने में नहीं था या ड्रग्स उस जमाने में नहीं थे, तो ना होने के बावजूद उसके ताल्लुक से एक वर्डिक्ट होता है
कि क्योंकि शराब हराम है या फिर क्योंकि जहर हराम है तो ड्रग्स के ऊपर भी हराम का हुक्म लगेगा। उसी तरह जो वीडियो कैमरा है उस जमाने में नहीं था, नशा जी, नशा चाहे वो किसी भी चीज से जी जी जी। तो अब हम ये देखते हैं कि क्योंकि वीडियो कैमरा उस जमाने में नहीं था, हम उस ताल्लुक से एक डिडक्शन से कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है, मैं आपको एक बात बता दूं कि हदीस भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी लिखी गई और इस बारे में एविडेंसेस मौजूद हैं। बल्कि ऐसे कंपेनियंस हैं जो कह सकते हैं कि फोटोग्राफिक मेमोरी वाले, जिन्होंने इस मेटिकुलस और एक्यूरेट मैनर में उसे रिकॉर्ड किया। मुझे मुझे यही लगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए ये बहुत ही बेहतर मीडियम है कि इसको एक किताब की शक्ल दे दी जाए और ये लोगों तक पहुंचे। जी, कम से कम इस बात में हम बिल्कुल सहमत हैं। हाँ, तो ठीक उसी तरह ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का मीडियम है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, नहीं, मैं अगर अपनी ज़ाती राय दूं, ऐसा लगता है, भाई कयास की हद तक अगर बात है अशरफ करीम साहब, तो मैं भी बोल सकता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट एन अथॉरिटी ऑन इस्लाम, तो मैं नहीं बोल सकता। जैसा कि अभी मैंने जैद भाई की बात से बात को निकाला, जैसा कि जैद भाई ने कहा कि उस वक्त आईनों में अक्स देखना या पानी में अपने आप को देख के बाल बनाना, दाढ़ी बनाने का रिवाज था और उसे मना नहीं किया गया। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग करते रहे। और टेक्निकली अगर देखा जाए, बिल्कुल टेक्निकली हम डिफाइन करें, तो ये कैमरा हमारा, टेलीविज़न कैमरा या फिल्म कैमरा जो होता है, ये अक्कासी करता है, तस्वीर नहीं खींचता, अक्कासी करता है, अक्स को अपने अंदर प्रिजर्व कर लेता है और उसके बाद उसको चलाता है, कुछ बनाता नहीं, क्रिएट नहीं करता। उसके सामने जो कुछ भी हो रहा है, जो नेचुरल है, उसकी अक्कासी करता है, जैसे आईना करता है। आईने में और इसमें फ़र्क यह है कि आईना प्रिजर्व नहीं कर पाता, ये प्रिजर्व कर लेता है, और आईना उसके बाद जितनी देर तक है उतनी देर तक दिखा पाता है, ये बाद तक दिखा पाता। अब मैं इसको कनेक्ट ऐसे करता हूँ कि अगर उस वक्त आईना था, तो अगर उस वक्त कैमरे होते तो ये मेरे ख्याल में शूट हो रहा होता। चलिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि यही तस्वीरों का मीडियम है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और वो वही पहुँचाता है लोगों तक जो उसे दिखता है। अच्छा, आइए, अब मेरे ख्याल में वक्त का तकाजा ये है, घड़ी की सुइयाँ हमें उस तरफ ले जा रही हैं कि हम इतने अच्छे और खूबसूरत प्रोग्राम को के इंतहा तक, यानी इसके खात्मे की तरफ लेके जाएं। मैं तमाम मेहमानों से 30-30 सेकंड का एक आखिरी वर्डिक्ट चाहूँगा, और उसमें चाहता ये हूँ कि आप ऑडियंस को मैसेज दें, मीडिया वालों को मैसेज दें, उन लोगों को मैसेज दें जो मीडिया से मुतासर हैं, यानी हमारे आवाम, वो मीडिया को किस तरह लें और किस हद तक लें, और मीडिया के लोग अपने आवाम को जो जहनी खुराक दें वो ऐसी हो कि उसमें कोई इन्फेक्टेड जहनी फूड ना हो। शुरू करते हैं कमलेश जी से। देखिए, एक संगठन या संस्था है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, एंड इट्स नॉट ए लीगल ऑर्गेनाइजेशन। उनका काम सिर्फ ये है कि मीडिया को देखना, पर कहीं कुछ अगर गलत हो रहा है तो उस पर एक्शन लेना या सज़ा देना, पर जो सज़ा है वो इतनी या तो माफ़ी है या मैक्सिमम 1,00,000 तक का जुर्माना है बस, और वो कोई आज तक तो मैंने सुना नहीं किसी को कुछ फ़ाइन हुआ हो। मुझे लगता है कि एक रेगुलेटर बॉडी होनी चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, फ्री हो, फेयर हो, वो अगर कम से कम, क्योंकि सवाल, वी नीड ए फिल्टर, राइट, जैसे खाने के मामले में हर चीज़ पानी फिल्टर करते हैं, सामान की सफाई करते हैं, right. एक फिल्टर चाहिए कहीं ना कहीं, और ऐसा फिल्टर हो कि उसके पास अधिकार भी हों, कानूनी अधिकार भी हों, ताकि खौफ के लिए नहीं, हमारे अपनी फायदे के लिए, क्योंकि इतना अहम रोल दिया है हमारे संविधान ने मीडिया को, चौथा खंभा बताया है, वो हमारी हिस्सा है ज़िंदगी का, हवा पानी की तरह, तो ज़ाहिर है उसके लिए हमारी ओर से कम इतना तो होना चाहिए कि ऐसा रेगुलेटर हो जो ख्याल रखे कि भाई जो जा रहा है सच में वो उसका क्या असर हो रहा है हमारे समाज में, राइट, क्योंकि अभी तक हम बात है कि हाँ सेल्फ सेंसरशिप है, राइट, अब उसका कोई मतलब नहीं है, सेल्फ सेंसरशिप का कोई मतलब नहीं। आपने लगा दिया स्क्रॉल कि आपकी कोई शिकायत हो तो भेज सकते हैं, शायद ही कोई भेजता होगा शिकायत वगैरह, किससे पढ़ा है, कौन पढ़ रहा है, चैनल बदल तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इतनी बड़ी ताकत है मीडिया की, ये जरूरी है कि इसको सही ढंग से इस्तेमाल हो। इसे कमलेश जी का कहना है कि रेगुलेटरी सिस्टम की जरूरत है जो फिल्टर कर सके हमारे मीडिया और मीडिया की खबरों को, क्योंकि रेगुलेटरी सिस्टम जो रेगुलेट कर सके चीज़ों को, सेंसरशिप एक अलग चीज़ होगी जहाँ काट छाट होती है। बहरहाल, अशरफ करीम साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को मीडिया के हवाले से, मीडिया के यूज और मिस यूज के हवाले से, मीडिया पीपल्स को, हमारे साथियों को और हमारे आवाम को, हमारे नाज़रीन? देखिए नाज़रीन, एक चीज़ तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हकीकत माननी पड़ती है, मनवाई नहीं जाती, तो चाहे वो कोई भी मीडियम हो वो आपसे मनवाया नहीं जा सकता, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। एक चीज़ है कि सच्चाई के साथ, मजबूती के साथ खड़े रहिए। झूठ के अगर आप कातिल हैं तो आप फातेह हैं, यानी आप हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत, ये सभी मजहब
ये पैगाम देते हैं, इसलिए हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहें और झूठ और बुराई के अगर आप कातिल बनते हैं तो बन जाएं, गुरेज न करें। सच्चाई का साथ दें और झूठ के कातिल बन के फाते कहलाएं। आइए जैद भाई, आपका आज का आखिरी वर्डिक्ट। मेरा ये कहना है कि हर जमाने के जालिमों का अपना मीडिया था, फिरौन के पास भी अपना मीडिया था, उसने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को कह दिया था ये उस जमाने के टेररिस्ट हैं, लेकिन रहे हैं लोग और रहते रहेंगे, जमाने में आते रहेंगे जाते भी रहेंगे। लेकिन कुरान की आयत है सूरतुल इसरा की सूरह 17 आयत नंबर 81, वकुल जाल हक व ज़हक अल बातिल, कहो हक आ गया है और बातिल मिट गया है, इन अल बातिला काना ज़हूका, क्योंकि बातिल को तो मिटना ही था। मैं तो एक बहुत रेडिकल सी बात कहकर जाऊंगा और वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इंसान हैं, हम इंसानों पर मीडिया का असर होता है, डिनाई करना बंद करें, और जब होता है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को अच्छे मीडिया से एक्सपोज करें और गलत मीडिया से बचा ही लें टोटली। एक हदीस पढ़ूंगा और ख़त्म करूंगा, सही बुखारी की हदीस है, मसलुल जली से सौले वल जली से सू कमसली साहिबिल मिस्क वकीरिल हद्दाद, अच्छे दोस्त की मिसाल और बुरे दोस्त की मिसाल ऐसे है जैसे इत्र बेचने वाला और लोहार की भट्टी। इत्र बेचने वाले के पास से या तो इत्र खरीद लेगा आदमी या तो कम से कम खुशबू लेकर आएगा, और लोहार की भट्टी या तो कपड़े जल जाएंगे या तो जिस्म जलेगा, कम से कम बुरी हवा लेकर आएंगे। बुरी मीडिया की मिसाल लोहार की भट्टी की है, तो अपने आप को लोहार की भट्टी में मत डालिए, वहां डालेंगे तो वो चिंगारियों से जिस्म जलेगा, कपड़े जलेंगे, कम से कम बुरी हवा लेकर आएंगे। जैसे कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत, तो ये बुरी मीडियम से बचना हम सबके लिए जरूरी है, और अच्छे मीडिया और मॉरल मीडिया और वो मीडियम जिससे कि हम कुछ सीखें जिंदगी में, और फजूल के एंटरटेनमेंट के चक्कर में अपने मॉरल को खो बैठते हैं, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर बैठते हैं, तो वैसी चीज से बचना ही बेहतर है, क्योंकि वो हकीकत में लोहार की भट्टी है। दोस्तों, अच्छा मीडिया और बुरा मीडिया, लोहार की भट्टी और इत्र फरोश की दुकान। मीडिया एक जिम्मेदारी का नाम है, मीडिया एक खबर एक वाक्य को बहुत ईमानदारी के साथ आप तक नाजरीन तक पहुँचाने का नाम है। मैं पैगाम देना चाहूँगा मीडिया और मीडिया से जुड़े हुए लोगों को कि वो अपनी जिम्मेदारी को इतनी ही ईमानदारी से निभाएं जितनी ईमानदारी से निभाने की ज़रूरत है। और मैं पैगाम देना चाहूँगा आवाम को, नाजरीन को, कि ये सब कुछ आपके हाथ में है। आप अच्छी खबर देखना चाहते हैं तो देखिए, आप बुरी खबर नहीं देखना चाहते तो कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। सेंसेशन के लिए और चौंकने और हंसने और मुस्कुराने के लिए खबरों को या टेलीविज़न चैनल्स को या मीडिया को मत देखिए, सच्चाई जानने के लिए देखिए। और इन दो लाइनों के साथ मैं आज के इस खूबसूरत टॉपिक को ख़त्म करता हूँ कि हादसा फिर कोई होने को है दुनिया वालों, हादसा फिर कोई होने को है दुनिया वालों, हमने हालात के माथे पे शिकन देखी है। खुदा के वास्ते हालात के माथे की इस शिकन को पहचानिए और हादसों को होने से रोकिए। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली बार इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।